अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं आपकी दुआओं से। तो जो है ना, आज है नया दिन और नया ब्लॉग, और मैं कर रही हूँ शाम से ब्लॉग शुरू। और पिछले जो है ना वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। अब मैं खड़ी हूँ किचन में, मैं दूध पका रही थी और यहाँ हमारा बन रहा है मज़ेदार सा सालन। और सालन में क्या बन रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयरती हूँ। और जो न्यू है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो सब्सक्राइब करिएगा, और जो देश परदेश से देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा और अच्छा अच्छा कमेंट करिएगा, आप लोग का प्यार चाहिए मुझे। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ यहाँ मुर्गी के पंजे। मैंने साफ साफ करके इनको फ्राई करके यहाँ रख लिया है। और जो यहाँ बन रहा है मसाला, में मैंने प्याज 1 अदद प्याज लिए बड़े साइज़ की, और टमाटर 2 अदद लिए, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है इसके अंदर। तो यहाँ मसाला भून रहा है, आपको दिखाते हैं, धुआं बहुत आ रहा है, धुआंधार सा मसाला बन रहा है। अभी इसमें मैंने जो है ना हल्दी पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, अभी सिर्फ टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज मैंने ब्राउन करके पीसी है। बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है और बहुत अच्छे ऐसे मज़े के बनते हैं। थोड़ा सा मसाला भून जाता है, फिर मैं पानी डाल के ना इसके अंदर पंजे डालूंगी। तो साथ ही रहेगा, वीडियो को लास्ट में फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मसाले डाल दिए हैं, थोड़े थोड़े से मसाले डाले हैं क्योंकि हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाला। बड़ा मज़े का जायकेदार बनता है ये सालन, आप लोग भी बनाइएगा। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, ये मसाला भून रहा है, तेल भी ऊपर आ चुका है इसका, तो मोबाइल जो है ना हीट ना कर जाए, धुआँ आ रहा है। तो गाइस, यहाँ मैंने जौना डाल दी मसाला भून के, और यहाँ डाल दिए पंजे। तो पानी आप अपने मुताबिक ही रखिएगा, जितना जो है ना आपको पतला शुरबा चाहिए, तो मुझे जितना चाहिए था मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो ये अच्छी तरीके से पकेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। तो जी गाइस, मेरे जो है ना मुर्गी के पंजे तैयार हैं, माशाल्लाह से बहुत यमी बने। धुएं की वजह से मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, और धुआं आ रहा है, बस पक गया, चूल्हा बंद करने वाली हूँ मैं। तो जी गाइस, ये देखें गरम गरम से मज़ेदार से पंजे। तो आप लोग को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा, और कैसी रेसिपी बनाई है मैंने तो ये भी शेयर करिएगा, और लाजमी आप लोग भी बनाइएगा क्योंकि सर्दी है, बहुत अच्छे रहते हैं ये, हेल्दी रेसिपी है ये वाली। और बस छोटा सा व्लॉग था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।